भांजा मोटर्स उदयपुर से मैकेनिक संदीप साहू, तो स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आपका। और देखिए दोस्त, आज वीडियो में हम बनाने वाले हैं पावर एक्सल, जो 70 cc होती थी, 70 cc का पूरा इंजन बनाएंगे दोस्त, जो 2-स्ट्रोक गाड़ी है। तो हमने सारा से सामान जो है वॉश करके, आप देख सकते हैं, ये सारा रख लिया है। ये ब्लॉक है, ये हेड है, ये ड्रम है क्लिच वाला, इसको कटोरा भी बोलते हैं, ये सू असेंबली है दोस्त, ये साफ्ट है, और ये सारे सामान हमने रख लिए हैं दोस्त। तो अब हम फटाफट हम इसको फिट करने वाले हैं। जैसे कि हमने ऑयल सील इस पे लगा चुके हैं दोस्त, देखिए आप, सारे बैरिंग हमने ओरिजिनल लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्त, सबसे पहला ट्रिक तो इसमें ये है कि इसकी जो क्रैंक बिठाते हैं, तो टोटल इसकी ऑयल सील में और बैरिंगों में ऑयल लगाकर ही बिठा लें, क्योंकि ऑयल सील पलटने का बहुत खतरा होता है। और इतनी स्मूथली और इतने अच्छे से क्रैंक बिठा लें कि क्रैंक बिल्कुल फ्री चलना चाहिए। तो चलिए दोस्त, बने रहिए वीडियो में। और अब हम फटाफट, देखिए, हमने कनेक्टन रॉड डला करके, ये देखिए कनेक्टन रॉड डलाने के बाद हमने इसको फिट करना है। तो कैसे करना है देखिए आप, ये एकदम फ्री, जितना ही फ्री होगा एकदम, उतना ही अच्छा साउंड आएगा, उतनी अच्छी ताकत रहेगी। अब हम इसकी पैकिंग लगाएंगे दोस्त, ठीक है। तो हमारे पास पैकिंग ये रही, जैसे कि दोस्त आप देख सकते हैं पैकिंग लग चुकी है। अब हम पल्ला बिठा लेंगे। और ध्यान रखना दोस्त, पल्ला और क्रैंक इसमें दो ही चीज़ का खेल होता है, क्योंकि जो पहले लूना आती थी, लूना सुपर, TFR, ये सब उसी टाइप की गाड़ी। हालांकि लूना में पहले यहाँ पोर्ड होता था, यहाँ क्रैंक में एक कट दिया रहता था, वो उससे सेट होती थी, पर इस पर पल्ला बैठाने का और क्रैंक को एकदम स्मूथ करने का ही खेल है। अगर गाड़ी में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो केवल देखिए, एकदम टनटना के बिल्कुल इंजन, जरा सी भी आप चोट वोट ना मारें, हाथ से ही पल्ले को बैठा लें, बिल्कुल बैठ जाना चाहिए हाथ से। अगर आपने चोट मारी कुछ हुई तो बिल्कुल छोटी सी क्रैंक रहती, फट से बैंड होती है, ठीक है दोस्त। हम पल्ला लगा चुके हैं, स्क्रू लगा रहे हैं, इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद फिर हम आगे आपको लेके चलते हैं वीडियो में। तो देखिए दोस्त, हमारा क्रैंक केस चैम्बर जो होता है वो टाइट हो चुका है। और देखिए इस पे क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अपन जरा सा भी ऐसे हाथ से घुमाएं तो बिल्कुल घूम जाना चाहिए, बिल्कुल जरा भी टाइट, थोड़ा सा टाइट इसलिए रहता है कि अपन नई ऑयल सील लगाते हैं, इस वजह से होता है। बाकी बिल्कुल अपन जरा सी भी ताकत लगाएं तो इसको चलना चाहिए, ठीक है दोस्त। अब देखिए आगे, जैसे कि ये साफ्ट हमें न्यू डालना है, ओरिजिनल है, 500 कुछ रुपए की है, और ये पुरानी है। इस पर क्या समस्या हो जाती है देखना, ये इस पर ये चाल आ जाती है, देखो ये जब और ज्यादा चाल आती जाएगी तो इससे आवाज आएगा, साउंड आने लगता है, और ये यहाँ से भी खत्म हो जाती है, देखिए ये यहाँ से भी कट चुकी। तो हम इस पर ये न्यू सॉफ्ट लगाएंगे दोस्त, ये वाली ओरिजिनल सॉफ्ट लगाएंगे, देखिए इसको हम हटा देते हैं, इसको लगा। तो देखिए दोस्त, जैसे कि इसका टोटल प्ले खत्म हो गया है, और ये वाशर डाल के हमें इस पर लॉक लगा देना है, ऐसे लॉक लगा लेना है, और फिर इसको हमें ये ऐसे लगा देना है, फिर हमें एक ये वाशर इस पर टिम जो रहती है वो डाल देनी है, और ये कटोरा न्यू, ठीक है दोस्त, ये कटोरा न्यू डालना है, क्योंकि इसका पुराना कटोरा यहाँ से देखिए आप, ये पूरा कट गया है, जो यहाँ से भी इसकी मिलिंग आवाज़ करने लगती है, जैसे प्राइमर या गैर आवाज़ करने लगता है, ऐसे ही ये भी होता है। तो हम इसको न्यू लगाएंगे, ओरिजिनल वैसे डाल देना, ये देखिए, फिर इसके ऊपर हमें ये वाइसर लगा देनी है। फिर इसके बाद देखना दोस्त, ये सू असेंबली है, आप देख सकते होंगे जेन्युइन ओरिजिनल क्लच सू असेंबली, ये हम लगाएंगे, क्योंकि ये भी जो है हमारी लगभग ठीक थी, पर अच्छे रिजल्ट के लिए जब कटोरा डाल रहे हैं अपन, तो इस पर लाइनिंग वगैरह आ जाती हैं, इसका थोड़ा स्प्रिंग वगैरह ढीले पड़ जाते हैं, वो बात नहीं रहती है, फिर तो हम ये ओरिजिनल लगाएंगे, ठीक है दोस्त। तो हमें कैसे लगाना है,
फिर इसके बाद हमें क्या करना है दोस्त, किक रैचेट लगाना है। ये किक के वाशर डालना है, फिर ये किक रैचेट आता है, देख सकते हैं आप। किक रैचेट इसका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम जो है नया लगाएं, लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है दोस्त, हम इसको फटाक से टाइट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब हमें गजन लॉक इसकी कर लेना है, तो देखिए कैसे करना है। ये तो बड़ी आसानी तरीके से हो जाती है इसकी, इस पर दिक्कत नहीं जाती है, हमें कोई भी परेशानी नहीं जाती है। ये है, और रिंग की तो इसमें दिक्कत ही नहीं है दोस्त। ये जो स्टील रिंग है इसका, ये टॉप पे रहेगा, ये सेकंड टॉप, देखिए इस पर लिखा भी रहता है टॉप टू, है ना, और ये टॉप वन, पे टॉप वन लिखा है, इसमें टॉप टू लिखा है। तो हमें कैसे डालना है देखिए आप, और इस पे ये खांचे दिए होते हैं दोस्त, इतना एक ये दिया एक ये दिया, तो हमें रिंग को भी वैसे ही डालना है खांचे से मिला के, टेंशन ही नहीं है हमें इस पे, बहुत सरल काम है। ये देखिए ये डल गया, फिर इसके बाद ये डल गया, ये बिल्कुल आसान है। और फिर इसके बाद हमें थोड़ी सा ऑयल लगा लेना ऐसे, और देखना आप देख सकते होंगे जैसे कि ये एरो बना होता है, देखना एक तीर का निशान, ये तीर का जो निशान है, ये हमें साइलेंसर साइड करना है, किस तरफ, इस तरफ, साइलेंसर जिस तरफ रहे उस तरफ करना है। देखिए तो हमें ऐसे इसके गजन बैरिंग में ऑयल कर लेना है, ऐसे ऑयल कर लेना है। ऑयल करने के बाद हमें इसको ऐसे फंसाना है, और देखिए ऐसे पैकिंग लगा लेना है आपको पहले, और ये इसके बाद हमें ब्लॉक लगाना है। थोड़ी मध्य कर ले या दूर कर ले, देखिए दोस्त ऐसे लॉक करने के बाद हमें इसको डाल देना। ये देखिए एकदम ऐसे फ्री चलना चाहिए, देखो ऐसे टू स्ट्रोक का यही खेल है दोस्त, के इंजन बिल्कुल फ्री होना चाहिए, देख रहे हैं आप, ये ऐसे फ्री चलना चाहिए, कहीं भी टाइट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसकी पैकिंग लगा के इसका हेड टाइट करेंगे, ठीक है दोस्त, इसकी देखना ऐसे पैकिंग लगा लेना है। ये पैकिंग लगाने के बाद ये इसका हेड है, ये हेड लगा देना है हमें, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम इसके चारों नट डाल के बासर डाल के टाइट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं दोस्त, ठीक है। तो जैसा कि दोस्त आप देख सकते हैं, ये हमारे हेड ब्लॉक सारा, इसका क्रैंक केस जो है चैम्बर वो भी हमने टाइट कर दिया, ये साफ लगा दी, कटोरा लगा दिया, क्लच असेंबली लगा दी। अब हम इस ये जो पल्ला है इसको लगाएंगे, तो इसके बैरिंग हमें ठीक समझ में आ रहे हैं, तो इसका बैरिंग वैसे ठीक है, ये किक रैचेट भी और सारी चीज सही है। और दोस्त एक बार और बता दूं, एक बार इसको खोल के आप कभी भी बनाएं तो जरूर चेक करें, क्योंकि ये यहाँ से बहुत फ्रैक्चर होता है, और ये किक रैचेट फ्रैक्चर होने की वजह से बहुत स्लिप मारता है, इसमें बहुत समस्या होती, पर ये नहीं है, हमने सारा चीज कर लिया है। तो हम इसको अब फटाक से हम लगाएंगे, देखिए आप, ये देखिए हमारा पल्ला लग चुका है दोस्त। पल्ला लगाने के बाद स्क्रू टाइट करना है, स्क्रू टाइट करके हम आपको वीडियो में आगे लेके चलते हैं दोस्तों, ठीक है।
जैसे कि दोस्त देख सकते हैं आप, हमारा पल्ला जो कि क्रैचेट वाला है वो तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम मैग्नेट साइड काम करेंगे दोस्त। तो हमें मैग्नेट साइड क्या करना है, पहले तो कॉइल प्लेट लगाना है। कॉइल प्लेट लगाने के बाद दोस्त मैग्नेट टाइट करना है और फिर हमारा इंजन रेडी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, हमें कॉइल प्लेट लगाना है, पर कॉइल प्लेट की एक और जानकारी मैं आपको दे दूं दोस्त। क्या है, कंपनी देखना, यहाँ पर देखना, एक ये एरो देती है, और कॉइल प्लेट में भी एरो होता है, देखना आप ध्यान से, ये लगा हुआ है निशान दोस्त। तो इसको हमें हमेशा जो है यहीं पे फिट करना है, इसको कोई कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। जब तक हमारी कॉइल प्लेट ओरिजिनल है तब तक बिल्कुल भी नहीं, देखना ऐसे सेट करना, आप नज़दीक से देख सकते हैं, ये ऐसे सेट करना है तो अच्छी स्टार्टिंग होगी, सब कुछ अच्छा होगा, गाड़ी बैक नहीं मारेगी, ये सारी चीज़। तो ठीक है दोस्त, अब हमें इसके बोल्ट लगाना है। दोस्त जैसा कि देखिए आप, पूरी कॉइल प्लेट मैंने दोनों स्क्रू लगा के और टाइट कर दिया है, चाबी मैंने मैग्नेट की फंसा दी है। अब हम मैग्नेट लगाएंगे दोस्त, तो फट से हम मैग्नेट लगाते हैं। मैग्नेट लगाने के बाद हमें इसका फैन लगाना है, फैन लगाने के बाद फैन बॉक्स, और फिर यहाँ पर जो रीड वॉल लगता है दोस्त, देखना यहाँ रीड वॉल लगता है, तो ये रीड वॉल लगाएंगे हम। रीड वॉल बड़ी सावधानी से लगाना दोस्त, कहीं से लीक नहीं होना चाहिए और रीड वॉल भी लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो हम फटाफट इस पहले मैग्नेट का नट टाइट कर लेते हैं, कब फैन लगाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं दोस्त। तो देखिए दोस्त, मैग्नेट नट टाइट करने के बाद जो है, अब हम जो है ऊपर इसका जो फैन लगता है वो टाइट करेंगे। हालांकि थोड़ा सा मार खा गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, इसको बदलने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकायदा चलेगा, ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम फटाफट टाइट कर लें दोस्त, फिर इसका फैन बॉक्स भी लगाना है। तो देखिए दोस्त, हमारा फैन लग के, मैग्नेट लग के, फैन कवर कंप्लीट हो गया। अब हमें लगाना है इसका रीड वॉल, तो ये ऐसा रीड वॉल रहता है दोस्त, तो आप ओरिजिनल ही लगाएं ज़्यादातर, क्योंकि ओरिजिनल ही सक्सेस होता है, बाकी तो बहुत कम, और आप जैसा भी ठीक लगे वैसा कर सकते हैं, कोई अच्छी कंपनी का डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो हम रीड वॉल लगाएंगे, देखना तो ऐसे हमें रीड वॉल लगाना है, ये देखिए रीड वॉल लग चुका है, और इसके जो एलन की बोल्ट रहते हैं वो लगाना है। और ध्यान रखना इसकी पैकिंग भी बड़ी स्पेशल लगाएं आपने, तो लीक करने का बहुत चांसेस रहता है, ध्यान रखें दोस्त। तो हम इसको भी फटाफट टाइट करते हैं, ठीक दोस्त। तो देखिए दोस्त, टोटल हमारा रीड वॉल लग चुका है, पूरा इंजन कंप्लीट हो चुका है पूरे तरीके से, अब गाड़ी में इसको फिट करने के लिए पूरा रेडी हो गया है। अब तो हम फटाक से उठाएंगे और गाड़ी में फिट करेंगे, फिट करके आपको स्टार्ट करके बताते हैं दोस्त कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसकी स्टार्टिंग, इसका साउंड, सारी चीज़ बताते हैं दोस्त। तो चलिए अब हम, तो ठीक है दोस्त, अब ये देखिए फटाफट हम अपनी पूरी गाड़ी में इसको फिट कर लेते हैं, फिट करके पूरे तरीके से कार्बेटर वगैरह, और फिर हम आपको दिखाते हैं स्टार्ट करके, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। तो देखिए दोस्त, जैसे कि मेरी गाड़ी में इंजन पूरा फिट हो चुका है, पावर एक्सल में पूरा फिट होकर कंप्लीट करके अब मैं स्टार्ट करूंगा आपके सामने, और इसकी स्लो सेटिंग और इसका साउंड बिल्कुल ओरिजिनल के जैसे रहता है या नहीं रहता तो आप देखिए। पहले तो आप स्टार्टिंग देखिए, ये देखिए दोस्त, स्टार्ट हो गई गाड़ी, और साउंड मैं जितने करीब ले जाऊंगा आप सुन सकते हैं, कोई साउंड नहीं। अब मैं साइलेंसर की तरफ ले जाऊंगा तो साइलेंसर में आप साउंड सुने खाली, जो देख रहे हैं अलग अलग जो ट्यू स्ट्रोक का साउंड आना चाहिए बिल्कुल एकदम टिक 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 करके। और गाड़ी देखना कितनी बेहतरीन स्लो है और स्मूथ, देखना ये, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। एक नंबर सेटिंग आती है दोस्त, जैसे मैंने बनाया है इंजन को इसी तरीके से आप कभी ट्राई करके देखें दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।